हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सुबह का अगर आप न्यूज़पेपर चेक करोगे तो कैट 22 की अपडेट आई है दैट रजिस्ट्रेशन हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज, यानी कि 11% का इंक्रीज दिख रहा है, जो कि पिछले 10 साल का काफी ज्यादा डेटा है। उतना ज्यादा इंक्रीज कभी भी नहीं हुआ पिछले 10 साल में। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ दीज मेनी रजिस्ट्रेशन ओके इन योर फाइनल सिलेक्शन। ओके, सो लेट्स क्विकली चेक ऑल दिस इन टुडेज वीडियो। बिफोर आई गो अहेड, ओके, क्विक रिमाइंडर इज टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन भी दबा दो सो दैट आपको सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नाउ दिस इज द डेटा फॉर लास्ट 10 इयर्स। ओके, अगर आप 2011 ऑनवर्ड्स चेक करोगे, 2022 यानी कि जो एस्टिमेटेड आया है द फिगर्स, दैट इज 2.55 लाख, यानी कि मोर देन 2.5 लाख पीपल हैव डन रजिस्ट्रेशन फॉर कैट एग्जाम। अगर आप देखो, दिस इज द हाईएस्ट टिल नाउ। 2019 में 2.44 गया था, लेकिन 2.5 आज तक कभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। सो दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर दैट वी हैव सीन दिस ईयर। ओके, यानी कि 11% का इंक्रीज दिख रहा है। 2020 में इनफैक्ट यहां पे रिडक्शन हुआ था, यहां पे 6% 6.6% का रिडक्शन था, कोविड टाइम था, देयर इज अ रिडक्शन देयर, बट नाउ आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कोविड, ओके, जहां पे हम देख रहे हैं कि ना 2022 में एक काफी बड़ा जंप आया है, इनफैक्ट 2020 या 2019 से भी ज्यादा हो गया है, ओके, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैट रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट? अगर हम डेटा देखेंगे, पीपल हु रजिस्टर एंड द पीपल हु गो एंड गिव एग्जाम, यानी कैट रजिस्ट्रेशन एंड कैट एग्जाम टेकर्स के बीच में अगर आप एक रिलेशन देखोगे, तो आपको दिखेगा ऑन एन एवरेज क्लोज टू 85% ऑफ द पीपल गो एंड गिव एग्जाम, यानी कि 10-15% ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम ही नहीं देते हैं। ओके, इफ यू सी 2021 में 2.29 लाख पीपल वर देयर, ओके, अप्रोक्सीमेटली, ओके, जिन्होंने एप्लीकेशन किया यानी कि रजिस्टर किया, लेकिन एग्जाम देने वाली जनता जो थी वो 1,91,000 ही थी। अब इसका अगर हम ये सेम ट्रेंड आगे चेक करते हैं, यानी कि 2022 में जो कि एक्सपेक्टेड है, 2,55,000 रजिस्ट्रेशन आए हैं, एप्लीकेशन हैं यहाँ पे, सो जो एग्जाम टेस्ट टेकर्स होंगे, इफ वी गो विद द सेम लॉजिक, लेट्स से मैंने ऑन एन एवरेज 85% पकड़ा है, यानी कि लगभग अराउंड 2,16,000 पीपल, ओके, विल गो एंड गिव दिस एग्जाम। अब 2,16,000 पीपल अगर एग्जाम देने वाले हैं, लास्ट ईयर के अगर आप कंपैरिजन में करोगे, लास्ट ईयर या उसके पहले का, यानी कि आप देखो 1,91,000 पीपल ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, उसके पहले 2020 में 1,90,000 पीपल ने दिया था, तो आप यहाँ देखो, यानी कि टॉप 2%, यानी कि अगर आप 98% एंड अबव अगर आपको लाना है, अगर आप लेके आते हो, तो यू विल बी अमंग द टॉप 4,335 स्टूडेंट्स, यानी कि 4,335 स्टूडेंट्स हैं जिनको मोर देन 98% होगा फॉर 2022। द सेम नंबर इफ यू गो फॉर ना द लास्ट 2 इयर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3,800 के आसपास ये दोनों साल के फिगर्स दिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जंप है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, 400, 500, 600 नंबर्स का इंक्रीज हो सकता है इन नो परसेंटाइल वाइज, ओके, इफ यू गो एंड चेक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर जंप, बिकॉज 400-500 बच्चे अगर 2% के गैप में फिट हो रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी जनता इंक्रीज हो रही है, एंड डेफिनेटली द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज, दैट मीन्स अगर आपको कॉलेज में एंट्री चाहिए, टॉप कॉलेज में एंट्री चाहिए, सो अब आपको और ज्यादा परसेंटाइल लाना होगा। ओके, सो 2 months टू कैट इज देयर, डेफिनेटली दिस gives you the sense that the competition is going up. Okay, the people going for MBA right now in this year is definitely much more जो last 2 साल से हो रहा था. So अब competition increase हो गया, students अब आपको अपनी पढ़ाई को और high level पे लेके जाने की जरूरत है, और अच्छे से mocks देने की जरूरत है, अपने scores को और बढ़ाने की जरूरत है. Okay, so this is the clear message that these figures are giving us. So make sure that you are working hard for the next 2 months of time. All other guidance videos are coming on our channel. All the best.